मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अर्थात आप अपना इरादा कमज़ोर मत कीजिए। मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली। सात दशमलव तीन क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन एक बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका, किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले, उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज ABC के लिए, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, इस प्रमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4.6, B 3.2 तथा C 5.2 है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज परिणाम का सत्यापन करना है हमें। तो इसके पॉइंट दिए हैं 4.6, 3.2, 5.2 यहाँ से डाल दी एक मध्यिका, डी बिंदु पर काटती है, ये क्या है? मध्यिका। तो इसके द्वारा ये दो त्रिभुज बन के तैयार होते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। चूंकि त्रिभुज ABC में AD मध्यिका है, तब बिंदु D, BC का मध्य बिंदु होगा, BC का मध्य बिंदु होगा, बिंदु D के निर्देशांक। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं, क्या होता है सूत्र?
एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो कॉमा बाई वन प्लस बाई टू बटे दो, तीन धन पाँच बटे दो कॉमा ऋण दो धन दो बटे दो, कितना आ गया चार कॉमा जीरो। बिंदु डी के निर्देशांक आ गए चार कॉमा जीरो। बिंदु डी के निर्देशांक प्राप्त होने के बाद अब सत्यापन इसका करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ये मिटा देते हैं, देखते हैं आगे त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं, बस जो दो त्रिभुज बन के तैयार हुए हैं उनका क्षेत्रफल क्या क्या होगा। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट कितना दिया है चार कॉमा ऋण छ, बी पॉइंट कितना है तीन कॉमा ऋण दो, डी पॉइंट कितना है चार कॉमा जीरो। ये हो गए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू, एक बटे दो चार ऋण दो कॉमा जीरो, तीन जीरो प्लस के सिक्स प्लस चार माइनस छ प्लस के दो, एक बटे दो चार ऋण के दो, तीन धन के छ चार ऋण के चार, एक बटे दो माइनस के आठ प्लस के अठारह माइनस के सोलह, एक बटे दो अठारह माइनस चौबीस, एक बटे दो माइनस के छ तीन वर्ग इकाई। त्रिभुज ए सी डी में ए बिंदु के निर्देशांक हैं चार कॉमा माइनस छ, सी बिंदु के निर्देशांक पाँच कॉमा दो, डी बिंदु के निर्देशांक चार कॉमा जीरो। ये हो गए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो, लगा दो मान, एक्स वन का मान चार बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू का मान पाँच बाई थ्री माइनस के बाई वन प्लस एक्स थ्री का मान माइनस छः माइनस के दो, एक बटे दो चार गुणे दो पाँच गुणे छः चार माइनस के आठ, एक बटे दो आठ तीस माइनस के बत्तीस, एक बटे दो कितना बचा छः, कितना आ गया तीन वर्ग इकाई। अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, और यही आपको सत्यापित करना था। आंसर प्रश्नावली हो गई, दी एंड। इस तरीके से आप आगे भी प्रश्नों को इसी प्रकार देखते रहेंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।